So we start the session again. And then as I was saying, the idea is to go back to the book and try to see what are the different mechanisms of identifying rocks in the field, and what are the things that we need to go in the field. जब हम field में जाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी इक्विपमेंट्स हैं जो हम साथ लेकर जाते हैं. उसमें द बेसिक इक्विपमेंट दैट वी हैव इज हैंड लेंस, एंड देन वी हैव अ जियोलॉजिकल हैमर, एंड देन वी हैव डाइल्यूट HCl. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम फील्ड के अंदर लेकर जाते हैं टू आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट रॉक टाइप्स. सो As you know, we cannot take the microscope to the field, so we normally take a hand lens. I think the mic of someone is still on, that is causing us some problem in the stream. So I would suggest whenever you guys join the stream, try to off your mics so that others are not disturbed. Okay. So as you see, the thing that we normally see in the hand lens is the texture of the rock. Texture of the rock, remember के जो भी उसके अंदर grains हैं उनकी shape, size और उनकी arrangement को हम texture कहेंगे. तो कोई भी रॉक जब आप फील्ड के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर फाइन ग्रेन टेक्सचर भी हो सकता है, मीडियम ग्रेन टेक्सचर भी हो सकता है और कोर्स ग्रेन टेक्सचर भी हो सकता है. ओके, तो बेसिकली जब भी आप फील्ड पे जाते हैं, यू ट्राई टू सी द टेक्सचर ऑफ ए रॉक and try to understand what type of minerals it is made up of, what type of shapes that particular grains are having, and what type of arrangements that particular grains are having. And then the fabric is the component resulting fabric. Agar hum dekhen to fabric ki kya definition hai, is the component of texture resulting from the relative sizes and shapes of grains, especially from a preferred orientation of platy or elongate grains. तो अगर आपके पास कोई ऐसी रॉक है जिसके अंदर प्लेटी एंड एलोंगेट ग्रेन्स हैं तो उनकी टेक्सचर से जो रिजल्ट आता है उसको हम नॉर्मली वी कॉल इट एज फैब्रिक. अब स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर और टेक्सचर में ये फर्क है कि जो स्ट्रक्चर होगा वो आप ये कह सकते हैं लार्जर स्केल पे होगा एज कम्पेयर टू टेक्सचर. टेक्सचर को देखने के लिए वी नीड हैंड लेंस, जबकि स्ट्रक्चर को देखने के लिए डोंट नीड ए हैंड लेंस. यू कैन सी द स्ट्रक्चर इन द बॉडी ऑफ द रॉक एज एज इट कैन बी सीन विद द नेकेड आई. सो यू डोंट नीड ए हैंड लेंस, यू डोंट नीड एनी अदर इक्विपमेंट. देन कम्स द टेक्सचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एज वी हैव बीन स्टडीइंग दिस फ्रॉम द लास्ट वीक. सो वी हैव क्लास्टिक्स plastic textures, we have the crystalline textures, we have the crystalline textures resulting from diagenesis. So remember ke jo sedimentary rocks hain they are divided into, as we have seen in the last classes, we call it clastic and chemical clastic sedimentary rocks and non clastic or chemical sedimentary rocks. aise hi hai, you guys remember? Yes, sir. Crystalline sedimentary rock. Yes. तो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स आपको याद है कि दे आर इम्पार्टेड बाय मेट्राइटस ट्रांसपोर्टेड टू द साइट ऑफ डेपोजिशन. केस में जो सेडिमेंट्स हैं दे आर स्मॉल सेडिमेंट्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइट ऑफ डेपोजिशन. हाउएवर द क्रिस्टलाइन टेक्सचर्स आर रिजल्टिंग फ्रॉम मिनरल ग्रोथ एट द साइट ऑफ डेपोजिशन. कि जो क्रिस्टलाइन टेक्सचर है या क्रिस्टलाइन जो रॉक्स हैं नॉर्मली दे आर ग्रोन एट द रिजल्ट ऑफ मिनरल ग्रोथ एट द साइट ऑफ डेपोजिशन. सो दे आर नॉट ट्रांसपोर्टेड
तो इसमें जो मेन डिफरेंस है क्लास्टिक और क्रिस्टलाइन टेक्सचर या केमिकल टेक्सचर्स में, उसमें ये डिफरेंस होता है कि द रॉक्स आर क्रिस्टलाइज एट द साइट एंड देर इज नो ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व, जिसको हम केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पेशल टेक्सचर्स भी होते हैं दैट आर रिजल्ट फ्रॉम द डायजेनेसिस। आई थिंक आई गेस देर इज सम माइक दैट आर स्टिल ऑन, इफ यू गाइस कैन जस्ट ऑफ द माइक्स सो इट विल बी इजी फॉर अस। ओके, सो वी हैव क्लास्टिक टेक्सचर्स, सो द ग्रेन साइज इज द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। तो आप के लिए एक यहाँ पर टेबल है दैट आई डोंट नो सम ऑफ यू गाइस आर नॉट लिसनिंग एंड द माइक इज स्टिल ऑन, सो सदूम कैन यू काइंडली ऑफ योर माइक प्लीज। ओके, आई डोंट नो, आई थिंक देर इज सम स्टूडेंट्स हू अशूर बोल रहे हैं।